ये आ गया तुम्हारा आनंद महल। आनंद महल इतना सड़ा हुआ? बाजी है बंबई है बंबई, इतने हर चीज उल्टी होती है। झुपड़पट्टी का नाम होता है सुंदर नगर, ते समुद्र के किनारे बसी चाल का नाम होता है तड़िया महल। तुसी ते नया हो ना, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। धीरे धीरे नहीं, मैं हर चीज झड़ से समझ जाता हूँ लड्डू सिंह जी। मैं समझ गया हूँ कि मेरा ये जो दोस्त है ना, इसने अपनी औकात के हिसाब से जगह चुन ली है। राज मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यार, तू कब आया यार? अरे बस मोहन यार, हम भी आ गए आपके सपनों की नगरी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। ये किताब पकड़वा। क्यों क्यों क्यों? तो सामान निकालना है ना, इधर से भी निकाल ऊपर से भी निकाल। ओ अच्छा, मास्टर आदमी है यार। हाँ लड्डू सिंह जी, कितने पैसे हो गए आपके? 62 रुपए 75 पैसे। 62 रुपए, 500 रुपए का छुट्टा आपके पास? भाई जी सवेरे सवेरे साढ़े को छुट्टा कितना आएगा? ए मोहन एक काम करना, इनको 65 रुपए दे देना, 35 मुझको दे देना, बाद में हम लोग हिसाब करेंगे। ओके आते ही शुरू हो गया। लो जी पैसे निकालो जेब में से। और सिर्फ 100 निकालना बस। ओ मेरा यार है राज, 100। थैंक यू जी। ओए बम्बैया, अपने आप ही टिप ले ली, दरवाजा खोल के घर में आ गए। बड़ा घटिया घर। ओ यार मोहन यार, बहुत कमाल का घर बनाया तूने यार। ये टेलीविजन, टेलीफोन, वो फ्रिज, ग्लास, सॉसर, वो बस यही अपना गरीब खाना है यार। खामोश यार, ऐसे आशा नहीं जैसे घर को गरीब खाना कह रहा है तू। अभी झूतारा में रहता है तू, तेरे सामने झू का समुंदर है, ऊपर आसमान के तारे, बगल में फिल्मी सितारे, मतलब कि राइट में अमिताभ बच्चन, लेफ्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, आगे धर्मेंद्र, पीछे जितेंद्र। और कोई मजाक की बात है? मजाक है यार कोई? इस एंगल से तो अपने घर के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं यार। ले इसी बात पे लौकी पकड़ ले। अरे मैं तो बोलता हूँ कि मोहन, ऐसी खूबसूरत जगह के ऊपर चटाई बिछा के भी सोने मिल जाए ना मुझे, तो भी मैं अपने आपको नसीब वाला समझूंगा। हेलो चटाई क्यों भाई, किस लिए चटाई? जब घर पे बिस्तर है, तकिया, तो व्हाई क्राई फॉर चटाई? तू तो इमोशनल हो गया। ठीक है, अगर तू चाहता है कि मैं बिस्तर पे सोऊं और तू चटाई पर सोए तो ये तेरी मर्जी है, लेकिन एक बात पक्की है, मैं तुझे 500 रुपए किराया जरूर दूंगा। 500 रुपए? अरे यार फिर हर्ट हो गया तू। तू बात बात पे हर्ट क्यों जाता है भाई? हाँ मैं जानता हूँ कि तू मेहमानों को भगवान की तरह समझता है, और अगर तू चाहता है कि मैं मेहमान की तरह रहूं तो ठीक है, मैं मेहमान की तरह रहूंगा। हाथ जोड़ता हूँ भाई, गलती होगी, आगे से किराए की बात नहीं करूंगा। चाय बना दे। मास्टर आदमी है तू। और जल्दी बनाना, फिर चल के तेरा ऑफिस भी तो देखना है मुझे। चाहता तो खुल गया। राज ये है हमारी कर्म भूमि। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपना ऑफिस है कहाँ? ऑफिस, गुड क्वेश्चन। ये रहा मेरा ऑफिस। कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर, किताब, छतरी, एक और कुर्सी, ऑफिस। ये ऑफिस है? यार मोहन तू तो ग्रेट आदमी है यार, मैं तो तुझे अच्छा खासा बेवकूफ समझता था। तू तो बहुत इंटेलिजेंट निकला। ये कंसेप्ट किसका है? मेरा। हट, मगर बड़ा चालू आदमी है यार, मतलब कि मैं तुझे बेवकूफ समझ रहा हूँ और तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। अरे गजब का कंसेप्ट है यार। अच्छा, ऐसा ऑफिस देखा ही नहीं मैंने पहले कभी। ना रिसेप्शन का चक्कर, ना प्यून का लफड़ा, यानी कि क्लाइंट वहां से ऑटो रिक्शा से उतरेगा और सीधा वकील से मिलेगा, बीच में कोई रुकावट ही नहीं। अरे गजब का। बगल तू देख लेना मोहन, कुछ ही दिनों में ये जो कंसेप्ट है ना, ये सारी दुनिया फॉलो करेगी, और दुनिया के बड़े बड़े लोग एक दिन तुझे इस छतरी के नीचे मिलेंगे। बैठ ना। थैंक यू यार। अरे वाने वाने, इधर बैठ, इधर बैठ, मेरे बगल में, मेरे बगल में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू माय ओन ऑफिस यार। ले मैं बैठ गया। मोहन बोल, इसे क्या कहते हैं? दोस्ती। दोस्ती नहीं बेवकूफ, इसे कहते हैं राज एंड मोहन एसोसिएट्स। क्या बात है, ये लोग इतना तेज तेज क्यों भाग रहे हैं? आज तेजपाल साहब का केस शुरू होने वाला है, इसलिए तेज तेज भाग रहे हैं। ये तेजपाल साहब कौन है? शहर के मशहूर बैरिस्टर, बहुत ही तेज आदमी है, आज कोर्ट में आर्गुमेंट करने वाले हैं। चल, वी विल टेक सम लेसन फ्रॉम हिम, कुछ सीखने को मिलेगा। अब इतना बुरा वक्त आ गया कि दूसरों से सीखना पड़ेगा। चल तू बोलता तो चल के देख लेते, आजा चल। अरे रुक तो सही, ऑफिस तो बंद कर लूं। बंद हो गया। चल चल चल। योर ऑनर, हर सबूत, हर गवाह यह साबित कर चुका है कि एंथोनी ब्रूटो का खून इस मासूम दिखने वाले विनय परब ने ही किया है। इस शख्स की उम्र 19 साल है, सिर्फ 19 साल, और जो शख्स 19 साल की उम्र में खून करने जितना खतरनाक हौसला रखता हो, वो आगे चलकर क्या नहीं कर सकता। यार जिस तरह से इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस मासूम लड़के के खिलाफ जीरा की है, इस चमन को तो कोई बचा ही नहीं सकता। भैया जिसे कोई नहीं बचा सकता ना, उसे सिर्फ तेजपाल बचा सकता है। कोर्ट में हम लोग। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम के बारे में बिल्कुल सही कहा, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत या उम्र कैद। लेकिन इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं,
मैं इस 19 साल के मासूम कातिल के बारे में अदालत को कुछ बताना चाहता हूं। योर लॉर्डशिप, विनय परब ने 7 साल की उम्र में नेहरू चाइल्ड गोल्ड मेडल जीता, 12 साल की उम्र में इंटर स्टेट डिबेट कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज हासिल किया, 15 साल की उम्र में SSC में फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास हुआ और 17 साल की उम्र में हायर सेकेंडरी में मैथ्स में पूरे स्टेट्स में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। और जिस एंथनी ब्रेटो का खून हुआ है, 12 साल की उम्र में उस पर चोरी का पहला इल्जाम लगा था, 14 साल की उम्र में उसने मिनर्वा थिएटर के बाहर टिकट ब्लैक करना शुरू कर दिया था, 20 साल की उम्र में उसने पहला डाका डाला और 27 साल की उम्र तक उस पर कत्ल के 4 इल्जाम लग चुके थे। और अगर ये खून ना हुआ होता तो आज एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता, ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा होता और देश के दुश्मनों के साथ मिलकर शायद गद्दारी भी कर सकता था, लेकिन इस ना समझ की वजह से देश ने एक होनहार गुंडा खो दिया। योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। योर लॉर्डशिप, इस 19 साल के मासूम को मौत की सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये जीकर क्या करेगा, 5-6 गोल्ड मेडल और जीत लेगा, पढ़ लिखकर इंजीनियर डॉक्टर या साइंटिस्ट बन जाएगा और इन सबको हमारे देश की क्या जरूरत है। योर लॉर्डशिप, पर एक बार जिन हालात में खून हुआ उन हालात में अपने आप को रखकर देखिए। एंथनी ब्रेटो इसके घर वालों को सताता था, इसकी बहन को छेड़ता था, इसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक दिन एंथनी ब्रेटो इसके घर पहुंचा, इसकी बहन को अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, इत्तेफाकन उस वक्त एक घर पहुंचा, इसने वही किया जो इस दुनिया का कोई भी छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर इंसान अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए करता, जो आप करते, जो मैं करता, जो अदालत में बैठा हर भाई करता। इसने एंथनी ब्रेटो का खून कर दिया। योर ऑनर। इज टू गुड यार। माइंड ब्लोइंग। प्रिंसिपल साहब, एक मिनट इधर सर प्लीज। यार मोहन, ये तेजपाल बड़ा कमाल का बंदा है यार। अरे भाई, तभी तो एक हियरिंग के लाख रुपए लेता है। क्या बात करता है। किसी भी केस को स्टडी करना एक अच्छे वकील का फर्ज होता है, एंड दैट्स माय होमवर्क। इसके बगल में हैंडसम टाइप का लड़का कौन है? वो इसका दामाद है आदर्श, इसके ऑफिस में काम करता था, बेटी से प्यार हो गया तो शादी कर ली तो बगल की पोजीशन हासिल कर ली और आज सब कुछ है इसके पास। यार ये तो ज्यादा बड़ा वकील हो गया यार। वो कैसे भाई? अरे सीधी बात है, देख, इसने जिंदगी भर तकलीफें उठा उठा कर लाख रुपए हियरिंग के लेकर इतने पैसे कमाए, इसने इसी बेटी से एक बार हाँ करवा दी और करोड़ रुपए अंदर कर लिए, हो गया ना बड़ा काबिल आदमी। यार I have nothing more to say, thank you very much, thank you. अच्छा तो सारी बातें छोड़ दे, इतना बता कि तेजपाल साहब की कोई दूसरी बेटी भी है? है ना, दो बेटियां हैं। और उसकी शादी हो गई? नहीं, पर तू क्यों पूछ रहा है? नहीं, उसकी दूसरी बेटी के लिए मेरे पास एक और वकील दामाद है। कौन है? मैं। ये कौन है? बहुत बड़ा आदमी है, तू नहीं समझेगा। ओ, मैं मतलब तू है, पर तू उसे बिना देखे शादी कर लेगा? यार तू बड़ा बेवकूफ आदमी है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अमीर आदमी की बेटी है तो खूबसूरत होगी। राज, एक बात है यार, तू बहुत ही मास्टर आदमी है तू। हाय। यस मैम। This one, please. This one? Yeah, sure. Thank you. You're welcome. अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? देखिए ये चश्मा भले ही कितना खूबसूरत क्यों ना हो, आप इसे पहनकर देखिए, ये ज़्यादा सूट करेगा। प्लीज ट्राई कीजिए, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज। ओके। ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। थैंक यू। एक बात कहूँ, अगर गुरुदत्त जी जिंदा होते ना जी, तो आपको लेकर दोबारा चौधरी का चांद बनाते। पैक कर दीजिए। हाउ स्वीट। अरे, क्या कर रही है? देखिए, माफी चाहता हूँ, ये कपड़ा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप ये पहन कर देखिए। अरे दैट्स ब्यूटीफुल। या आप ट्राई कीजिए ना। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर राज कपूर जी जिंदा होते ना, तो आपको लेकर दोबारा सत्यम शिवम सुंदरम बनाते जी। मेरा मतलब है कि इन कपड़ों के साथ। आप ट्राई कीजिए ना प्लीज। ओके थैंक्स। पैक कर दीजिएगा ये। अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? कमाल जी आपको देख लेते तो कितना नाराज हो जाते हैं मालूम है? कमाल कौन? अमरोही जी, पाकिस्तान फिल्म बनाई थी जिन्होंने। रियली? क्यों? आपको देखकर वो अपने हीरो को डायलॉग देते कि तुम्हारे पांव बहुत ही खूबसूरत है, इन्हें जमीन पर नहीं इन सैंडल्स में रखो और भी खूबसूरत नजर आएंगे। या देखिए कितने खूबसूरत। कमाल की बात है, आपने जो कुछ भी बेचने की कोशिश की मैंने सब कुछ खरीद लिया। यू आर अ गुड सेल्समैन। वैसे मैं पेशे से वकील हूँ। Really? क्या बात है? राज मल्होत्रा, BLLB। Very nice। वैसे मैं अपने लिए कुछ सामान खरीदने के लिए आया था,
आपको गलत सामान खरीदता हुआ नहीं देख सका। But I'm really sorry, मैंने आपको सेल्समैन समझ लिया। कोई बात नहीं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। जी हाँ, मैं क्या कोई भी धोखा खा सकता? अच्छा तो आप मान रहे हैं कि मेरी शक्ल ऐसी है? Nice to meet you. Okay. हाँ, आप तो जा रही है, मगर मैं आपकी जिंदगी में बुढ़ापे की तरह आऊंगा, जो एक बार आता है और उसके बाद आता ही जाता है। राज, सपने में तू कुछ भी देख ले, लेकिन हकीकत में तेजपाल की बेटी से तेरी शादी हो ही नहीं सकती। अरे अगर उसकी बेटी से मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं जान दे दूंगा, गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा, उसके आ क्या जाऊंगा, मैं गाड़ी के नीचे आ गया। राज यार, कर लेटा ने कर बैठा। भाई सर, ये सब कैसे हो गया? अरे कुछ नहीं, गाड़ी तेज आ रही थी ना, दो हड्डी टूटी होगी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। राज, राज तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठता हूँ। पीछे क्यों बैठ रहा है? मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, आप बैठ जाइए, भाई साहब बाद में बात करेंगे। चलिए चलिए चलिए, मैं अकेला जाऊंगा हॉस्पिटल। राज तू चिंता नहीं करना, बैठिए बैठ गई, दरवाजा बंद कर लीजिए। आपको दुख नहीं रहा है? ये कर रहे हो क्या, तोड़ रहे हो? चोट यहाँ लगी है तो दर्द वहाँ कहाँ से होगा? सो सॉरी, ऊंचा करो। आस्ते। अरे घबरा नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मामूली सी चोट है, मैं दो दिन की दवाई लिख देता हूँ, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। हैं, तुम्हारा नाम बताओ फटाफट। राज मल्होत्रा। देखो मैंने दो दिन की दवा लिख दी है और इसे सुबह शाम। ये क्या, ये बैसाखी किस लिए? चोट मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, पैसा भर रहा हूँ फिर भी पूछ रहे हैं बैसाखी किस लिए? कमाल है, चोट पाँव में लगी है, सर पे लगी है? मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। ओह माय गॉड, आप गए नहीं? आपको क्या हो गया? कोई बात नहीं, थोड़ा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। 15 दिन? आप मेरी वजह से इन बैसाखियों पर? आपकी वजह से नहीं, सॉरी, मेरा ही कोई पाप आड़े आ गया होगा मेरे। नहीं, गाड़ी तो मैं तेज चला रही थी, I'm so sorry. आपको अपनी गलती का एहसास हुआ ना? जी। सजा भुगतना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? प्लीज मुझे नीचे टैक्सी तक छोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप, मैं अपनी गाड़ी में आपके घर। आई। संभल के। हाँ एक मिनट रुक जाइए। हाँ रुक जाइए। नहीं, मैं संभाल लूंगी। आई, यहीं ऊपर रहते हैं? जी। अच्छा, संभल के। कोई बात, आई। काफी तकलीफ उठानी पड़ी, यहाँ बैठ जाइए। एक मिनट। हाँ, ये तस्वीर? जी ये मेरे गुरुजी की तस्वीर है, मगर मैंने तो आपको इनके साथ पहले कभी नहीं देखा। जी मैंने भी इनको कभी नहीं देखा, मगर ये हमारी वकालत की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। इनके केस को स्टडी किए बगैर कोई आदमी वकील बन ही नहीं सकता। जी मगर आप इनको कैसे जानती? ये मेरे डैडी हैं। डैडी? पाँव कहाँ है? क्या कर रहे हैं आप? खड़े हो जाइए प्लीज। गुरु नहीं तो कम से कम गुरु पुत्री के ही पाँव छू लूं। देखिए आप ऐसा मत कीजिए, आप ठीक हो जाइए, मैं आपको अपने डैडी से मिलाऊंगी। मैं इनसे मिल सकूंगा? Of course. He will meet me? Of course he'll meet you. Oh, मतलब, how sweet of you. नहीं, आप बैठिए ना। No problem. Please. आज नहीं, फिर कभी, मैं फिर आऊंगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। आओ मैं तुम्हें बाहर रख छोड़ देता हूँ। It's okay, मैं चली जाऊंगी। नहीं, are you sure? Okay, thank you, bye. See you. Bye. Bye. अब देखिएगा जनाब, इस बैसाखी को पकड़ के उस बैसाखी के सहारे अगर मैंने आपको अपनी बैसाखी न बना लिया तो मेरा नाम भी राज नहीं।